गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई डिस्क्राइब टू थ्री थिंग्स फॉर द यूनिट वन रिगार्डिंग रिसर्च, अनुसंधान, टाइप ऑफ रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च एंड व्हाई रिसर्च इन आयुर्वेदा। इन कंटिन्यूएशन अगेन, so where we were in the so आज का जो मेरा विषय रहेगा वो रहेगा the research in the field of आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में ऐसी कौन कौन सी फील्ड है जिसमें रिसर्च की जा सकती है। अगर हम आयुर्वेदा रिसर्च की बात करें तो हमारे पास तीन मेजर पार्ट हैं, तीन मेजर एरिया हैं जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। दैट इज लिटरेचर रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च एंड ड्रग रिसर्च। अब तीनों की अपनी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। अगर हम लिटरेचर रिसर्च की बात करें तो लिटरेचर रिसर्च में हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर और शोध करने की आवश्यकता है। जैसे हम रिव्यूज़ कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए, अलग अलग प्रकृति के अनुसार, वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार क्या हम अलग अलग जो मेडिकेशन अलग अलग संहिताओं में वर्णित की गई है क्या उनको हम समराइज फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं। क्या हम लिटरेचर रिसर्च के माध्यम से जो आजकल डिसीज के सिम्टम हैं उनको कोरिलेट करके कई सारे फर्दर सॉल्यूशन उसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं क्या। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इज रिटन इन संस्कृत। हमारा जो लिटरेचर है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। क्या हम संस्कृत की सही व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है संस्कृत एक बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है और इस साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हल्की सी विसर्ग बिंदी का भी फर्क आ जाता है तो वो शब्द को का अर्थ कुछ और निकल के आ जाता है। तो एक इस दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है। अलग अलग इंडिया के पार्ट के अंदर ट्रेडिशनल मेडिकेशन सिस्टम है, उसके हिसाब से उनका जो स्थानीय ट्रेडिशनल परंपरागत जो मेडिकेशन सिस्टम है उनके यहाँ पर उन दवाइयों के नाम कुछ और हैं, लिटरेचर के अंदर कुछ और नाम लिखा हुआ है, संहिताओं में कई जगह पर कुछ और नाम लिखा हुआ था, क्या उसके ऊपर शोध करी जा सकती है। कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी प्लांट्स हैं, ड्रग्स हैं जो कि एक स्टेट में किसी नाम से पुकारी जाती है किसी में दूसरे। वर्तमान समय के अंदर आयुर्वेद में जो पहले मेडिकेशन वर्णित की गई थी क्या वो सारी वर्णित मेडिकेशन इस समय उपलब्ध हैं, इसको ऊपर सर्च करी जा सकती है। बात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार किस एज ग्रुप में किस डिसीज का सबसे ज्यादा प्रीलेवेंस रहता है इसको भी हम देख सकते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च में वो अलग अलग जिसको हम कहते हैं पांडुलिपियाँ भी शामिल हो सकती हैं, जिन पांडुलिपियों को अलग अलग वैद्यों ने 100-200-300 साल पहले अपने अनुभव के आधार पर लिखा। इट कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। उसके हम बात करेंगे ड्रग रिसर्च की। ड्रग रिसर्च मतलब आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो या तीन या चार पार्ट में भी कर सकते हैं।
लेकिन एक कंसाइज फॉर्म में हम इसको कहेंगे प्री क्लिनिकल रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च। और ये लेबोरेटरी रिसर्च बहुत प्रकार की है। एज पर द रिक्वायरमेंट हम स्टैंडर्डाइजेशन लैब में कर सकते हैं, हम इन विट्रो टेस्टिंग लैब में कर सकते हैं, हम अन इन विवो टेस्टिंग लैब में कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की जो डिसीज़ हैं उनके जो टारगेट हैं डिसीज़ के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर के अंदर एस इनहिबिटर एक मार्कर काम करता है, बीटा ब्लॉकर काम करता है, तो क्या हमारी हर्बल मेडिकेशन इन टारगेट के ऊपर वर्क करती है? तो उसको इवेल्युएट करने का काम हम ड्रग रिसर्च प्री क्लिनिकल रिसर्च के अंदर हम कर सकते हैं। और जो साइंस मतलब जो मेडिकल साइंस जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है उसके अनुसार जो रिसर्च है वो तीनों का समुच्चय है, लिटरेचर रिसर्च, ड्रग रिसर्च एज वेल एज द क्लिनिकल रिसर्च। ये तीनों इसके अंदर अपना अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। प्रारंभ लिटरेचर रिसर्च से होता है, उसके बाद सेकेंड प्री क्लिनिकल रिसर्च होती है, और थर्ड नंबर पर आकर क्लिनिकल रिसर्च होती है। तो प्री क्लिनिकल रिसर्च में बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है, और उसका कारण ये है कि ह्यूमन पर जाने से पहले, जैसे मतलब ह्यूमन रिसर्च से पहले, ह्यूमन क्लिनिकल रिसर्च से पहले आप वो सब डाटा कलेक्ट कर लो जो कि क्लिनिकल रिसर्च में करने में समय लगेगा, या जैसे टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा है, हम किसी भी ह्यूमन के ऊपर द्रव का दुष्प्रभाव या दवाई का दुष्प्रभाव एकदम से चेक नहीं कर सकते। उसके लिए इन्होंने कहा कि नहीं, टॉक्सिकोलॉजिकली स्टडीज ही इसके लिए आवश्यक है, वो माइस के ऊपर, रैट के ऊपर, या फिर आपके रैबिट्स के ऊपर, इवन दो डॉग्स के ऊपर, मंकीज के ऊपर, इन सब के ऊपर ये रिसर्च एनिमल मॉडल्स के ऊपर करी जा सकती है। जब उन मॉडल्स पे हम ये रिसर्च करने के बाद हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि एनिमल मॉडल के ऊपर ये ड्रग्स कोई टॉक्सिकोलॉजिकल प्रभाव नहीं छोड़ रही है, देन वी कैन मूव द फर्दर पार्ट ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च। अब हम क्लिनिकल रिसर्च में आते हैं, और क्लिनिकल रिसर्च के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह ड्रग रिसर्च में, इसी तरह क्लिनिकल रिसर्च भी अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है। फेज 1 क्लिनिकल रिसर्च, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन द डिटेल। हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे एज पर यूनिट रिक्वायरमेंट हम उसको डिटेल के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रिसर्च किस तरह की हो सकती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हो सकती है आपकी, कोहर्ट स्टडी हो सकती है आपकी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो सकती है आपकी, केस स्टडी हो सकती है। तो मैनी टाइप्स ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च आर अवेलेबल। एज पर द रिक्वायरमेंट वी चूज सच रिसर्च टाइप ऑफ फॉर्मेट। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग। अब आयुर्वेदिक, अगर हम ड्रग की बात करें तो आयुर्वेदिक ड्रग में हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, वी कैन स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदिक रॉ ड्रग्स। आयुर्वेदिक जो रॉ ड्रग्स हैं हम उनका प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। उसमें सल्फेट वैल्यू क्या है, कैश ऐश वैल्यू क्या है, उनका पीएच कितना है, और उसका आपको हम कहें ये फार्माग्नोसी पैटर्न क्या है, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन कैसे है। ये सारे पैरामीटर हम रॉ मटेरियल ड्रग के साथ कर सकते हैं, और इसका हमें बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कभी कभार हमारे पास जो रॉ ड्रग होती है या हर्ब्स होती है वो पाउडर फॉर्म में भी आ जाती है, और पाउडर फॉर्म में आने के कारण कभी कभार उसमें मिक्सिंग की संभावना रहती है, या हम जज नहीं कर पाते कि ये इसी स्पीसीज की है या किसी दूसरी स्पीसीज है, कोई दूसरा प्लांट तो नहीं है। उस कंडीशन के अंदर आयुर्वेदिक ड्रग का अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम फर्दर जो आने वाला रॉ मटेरियल है उसको उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं, देन वी आर एबल टू टेल दैट ओके ये प्योर है, या इसके अंदर कुछ कंटेमिनेशन है, या इसके अंदर कोई ओवरऑल
या कोई और ड्रग्स मिली हुई है, तो हम आयुर्वेदिक रॉ ड्रग्स का स्टैंडर्डाइजेशन कर उसका डाटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक डाटा डेवलप कर सकते हैं कि सपोज ये हर्ब है ये उत्तरांचल से मिल रही है, दूसरी सेम हर्ब हमें हिमाचल से मिल रही है, तीसरी सेम हर्ब हमें साउथ से मिल रही है, तो उन तीनों के अंदर जो रॉ ड्रग्स के जो पैरामीटर्स हैं एश वैल्यू है या फिर फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की स्पेसिफिक परसेंटेज है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ओके इस ये स्पेसिस जो उत्तराखंड के अंदर है उत्तरांचल में है इसके अंदर इतने परसेंटेज फाइटोकेमिकल की एक रेशो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है, एश वैल्यू हो सकती है, तो इस तरह का एक बहुत बड़ा डाटा सेट भी हम लोग विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टू स्टैंडर्डाइज ड्रग डोज एडमिनिस्ट्रेशन टाइम। एक ही अनदर थिंग्स है कि जो ड्रग की डोज क्या होनी चाहिए, आयुर्वेद में वर्णित है लेकिन उसको हम क्या पर केजी वेट के हिसाब से बता सकते हैं क्या, जैसे मॉडर्न साइंस के अंदर कहते हैं कि इतने mg इतने ग्राम पर केजी वेट, वो उसको और दूसरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन टाइम कितना, वो अंदर होने के बाद कितना टाइम वो एडमिनिस्ट्रेशन में लेती है, मतलब टू शो द इफेक्ट, क्योंकि हर ड्रग के साथ ADME प्रोफाइल जुड़ा होता है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड द एक्सक्रीशन, तो इन चार पैरामीटर के ऊपर क्या हम अपनी ड्रग को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं क्या। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है थिंग्स है कि वी कैन स्टैंडर्डाइज द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्या हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको एक इस लेवल में सामने स्टैंडर्डाइज करके उसको ड्रग मास्टर फाइल, हम लोग जो एलोपैथिक मेडिकेशन बनती है उस एलोपैथिक मेडिकेशन के अंदर हम लोग ड्रग मास्टर फाइल बनाते हैं सिंथेटिक प्रोटोकॉल्स के, उस प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग अगर मैन्युफैक्चर की जाएगी तो बिल्कुल वही ड्रग निकल के आएगी, उसके अंदर इतनी ही परसेंटेज प्योरिटी होगी, इतनी परसेंटेज इम्प्योरिटी होगी अगर वो सेम जो प्रोसेस उसको फॉलो किया जाए। तो क्या हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वर्तमान समय में जब हम आधुनिक मशीनों का भी यूज़ कर रहे हैं उनको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ले रहे हैं डिमांड एज पर आवर डिमांड, तो क्या हम उनको स्टैंडर्डाइज जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस को हम क्या स्टैंडर्डाइज एक जिसको हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार विकसित कर सकते हैं क्या। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्डाइज फाइनल प्रोडक्ट, ये सिमिलर है अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और हम फाइनल प्रोडक्ट की करें, तो जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली आपका फाइनल प्रोडक्ट भी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। टू आइडेंटिफाई एंड स्टैंडर्डाइज द कंट्रावर्सल ड्रग्स इन आयुर्वेदा, हम लोग कोई भी ड्रग कंट्रावर्सल नहीं मानते हैं लेकिन मॉडर्न साइंस जो मेटल से रिलेटेड कुछ जैसे मरकरी की बनी हुई कुछ अपने रसायन हैं, तो हमारे पास कुछ जो मॉडर्न साइंस है वो लोग कुछ इस तरह की ड्रग्स को कंट्रावर्सल ड्रग मानता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि शायद आपने इस चीज़ को फाइंड आउट किया हो और या मैंने अब तक ऐसा डाटा नहीं देखा है कि सपोज एक फॉर्मुलेशन है क्लासिकल फॉर्मुलेशन है और चार फॉर्मुलेशन है, चार में से कौन सा फॉर्मुलेशन बेस्ट है इस स्पेसिफिक डिसीज के लिए, इस रूप में उसको स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता है, और जो कंट्रोवर्शियल ड्रग हैं उसका भी एक स्टैंडर्डाइज करके उनका डाटा सामने लाने की आवश्यकता है ताकि हम मॉडर्न साइंस के लोगों के साथ जब टॉक करें या उनके साथ बात करें तो हम बता सकें कि नहीं जिस लेवल पर आप सोचते हो जो आपने अपनी एलोपैथिक ड्रग्स का पैरामीटर्स कुछ स्टैंडर्डाइज करके हमने भी अपने यहाँ पर उसी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के सारा डाटा क्लास किया। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च वे इज दैट टू फॉर्मुलेट न्यू ड्रग्स फ्रॉम आयुर्वेदा टेस्ट एंड प्रूव देयर एफिकेसी। कुछ लोग इस विषय को सही मानते हैं, कुछ लोग इस विषय को सही नहीं मानते, लेकिन डेवलपमेंट जो है विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है किसी भी चिकित्सा प्रणाली के अंदर, जैसे जैसे अलग अलग तरह की डिसीज
अपने अपने टारगेट्स को लेकर सामने आ रही है, उसके अनुसार हमें भी नए ड्रग्स के क्लासिकल फॉर्मुलेशन के अलावा कुछ नए फॉर्मुलेशन तैयार करने की जरूरत है और उनकी एफिकेसी को जानने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोविड महामारी के समय कुछ अलग अलग नए प्रयोग हुए और राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कुछ श्रेष्ठ वैद्यों ने कोरोना की अलग अलग जो लक्षण बताए गए उन लक्षणों के आधार पर एक एक हर्ब्स, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा बुखार है तो बुखार के लिए उन्होंने कहा ये औषधि उत्तम है, किसी ने कहा कि खांसी आ रही है तो उन्होंने कहा श्वास के लिए उत्तम है, किसी ने कहा कि नहीं इनके साथ साथ इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो उसके अनुरूप किसी ने एक अन्य औषधि को, एक सिंगल औषधि को उसके लिए अपना सजेशन दिया, सहमति दी। तो क्या ऐसी चार पांच औषधियों को मिलाकर एक नया फॉर्मुलेशन तैयार हो गया? और क्या ये फॉर्मुलेशन जिस पर्पस, जिस उद्देश्य के लिए फॉर्मुलेशन, जिस डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इस फॉर्मुलेशन को लाया गया, क्या वो फॉर्मुलेशन अपनी एफिकेसी शो कर रहा है? इस विषय में भी शोध बहुत बड़े लेवल पर करने की आवश्यकता है। और क्योंकि उस शोध के द्वारा ही हम जो नए नए लक्षण आ रहे हैं अलग अलग बीमारियों के, उसको सही रूप से आयुर्वेद के माध्यम से उसका निराकरण करने में सक्षम हो सकते हैं। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, जैसे मैंने पहले बताया था, मेनी फील्ड्स सच एज वी कैन कलेक्ट क्रिटिकल रिवाइज एडिशन ऑफ द अवेलेबल मैन्युस्क्रिप्ट। क्रिटिकल रिवाइज एडिशन, जो मैंने कहा कि सारे जो वांग्मय हैं, जो अपनी संहिताएं हैं वो संस्कृत के अंदर, मोस्ट ऑफ देम आर रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज, तो उस स्थिति के अंदर उनको क्रिटिकली, मतलब एक व्याकरणाचार्य के द्वारा पहले तो उन सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनका, जो अलग अलग व्याकरणाचार्यों ने जो उनकी व्याख्या करी है, सही व्याख्या वाली मैन्युस्क्रिप्टों का कलेक्शन करके रखना, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य। देन कैटलॉगिंग ऑफ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्टिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स रिलेटेड टू द आयुर्वेदा, आयुर्वेदा से संबंधित जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको कैटलॉग, इनको व्यवस्थापिक रूप से एक कैटलॉग फॉर्म के अंदर रखना। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल एंशियंट संस्कृत लिटरेचर रिलेटेड टू आयुर्वेदा, अब वो अवेलेबल का क्रिटिकल रिवाइज एडिशन और चूंकि संस्कृत में लिखा हुआ है तो इनका जो अवेलेबल संस्कृत आयुर्वेदा का लिटरेचर है उनको क्लासीफाई करना, कलेक्शन करना और उनको क्लासीफाई करना। देन द ट्रेडिशनल फैक्ट एंड थ्योरीज कैन बी री एग्जामिंड एंड री वैल्यूएटेड, their validity should be re-established scientifically. जो traditional fact हैं, जो traditional theory है, उनको आज के समय अनुसार फिर एक बारी re-evaluate, re-exam करना कि क्या ये possible हुए हैं और उनकी efficacy को भी दोबारा re-evaluate करना, ठीक है? तो वो जो re-evaluation term है वो जो है उसको भी साइंटिफिकली वे के अंदर, हम लिटरेचर मीडियम्स के अंदर भी उनको कलेक्शन करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। टू पुट फोर्थ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल है, ये पिलर हैं, ये बेस हैं हमारे, इनके आधार पर ही सारी चिकित्सा प्रणाली, जो चिकित्सा क्षेत्र है वो सब, इसके ऊपर हमारा आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र इन बेसिक प्रिंसिपलों पर ही आधारित है। तो इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको लेके आना, ये भी लिटरेचर रिसर्च के अंदर एक कार्य है। अब हम क्लिनिकल रिसर्च की बात करें तो क्लिनिकल रिसर्च में वी नीड टू असेस द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट गिवन इन द क्लासिकल टेस्ट। जितने भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा क्लासिकल फॉर्मुलेशन दिए हुए हैं, अब क्लिनिकल उन जो
क्लासिकल फॉर्मुलेशन हैं उनको दोबारा क्लिनिकली साइंटिफिक मैनर के अंदर इवेल्युएट करना और उनके रिजल्ट्स को असेस करना, ये बहुत बड़ा काम है। हम कितने परसेंट तक के इस लेवल पर पहुंचे हैं हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन हमें क्षेत्र के अंदर काफ़ी काम करने की आवश्यकता भी है। टू सर्च इकोलॉजिकल फैक्टर विद आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव फॉर वेरियस डिसीज, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसको आयुर्वेदा प्रस्पेक्ट्स के अंदर देखना, आयुर्वेदा प्रस्पेक्ट्स के अंदर उसको जांचना और उसको सर्च करना, ये एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है। अलग अलग डिसीज के इटियोलॉजिकल फैक्टर को आयुर्वेदा प्रस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेक करना। नेक्स्ट इज to evaluate Ayurveda therapy on the basis of their effect and side effect. Side effect जो pharmacovigilance concept आया है in medication के अंदर, क्योंकि ये concept हमारे पास Ayurveda में इस विषय में चरक संहिता और अन्य संहिताओं में पहले से ही वर्णित कर रखा है कि अगर किसी द्रव्य को, किसी औषधि को अगर उसके सही मात्रा में या फिर सही व्हीकल के साथ ना लिया जाए तो उसका दुष्परिणाम सामने आ सकता है, तो उसको भी दोबारा री इवेल्युएट करना, उनका क्या प्रभाव हो सकता है, थेरेपी का कितने परसेंटेज वो किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में सहायक हो सकती हैं, उसके को भी क्लिनिकल रिसर्च के माध्यम से इवेल्युएट करना। कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स विद द इंटीग्रल अप्रोच, जो एक फॉर्मेट पैटर्न बनाया हुआ है कि क्लिनिकल अगर आपको रिसर्च करनी है उस जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अनुसार क्लिनिकल ट्रायल करने का मैक्सिमम प्रयास करें। मेथड ऑफ द रिसर्च इन आयुर्वेदा, अब आयुर्वेदा के अंदर रिसर्च के बहुत सारे मेथड हैं, आप शायद मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह इस विषय में जानते हैं। चतुर्विधा परीक्षा, जिसमें कि लिटरेसी रिव्यू बोला गया, जिसको हम अब तो परीक्षा कहते हैं, अनुमान जिसको हमारी मॉडर्न साइंस हाइपोथेसिस कहती है, अब तो परीक्षा और प्रत्यक्षा जिसको हम अपनी लैंग्वेज में, मैं अपनी लैंग्वेज में जिसको सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट्स बोलता हूँ, इंटरवेंशन विच टाइप ऑफ इंटरवेंशन जिसको आप लोग युक्ति कहते हैं, असेसमेंट वे ऑफ असेसमेंट मीन्स अनुमान, अब तो उपदेशा और प्रत्यक्षा, मेरे लिए तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं दो तीन बार ही सुने हैं, आप लोग इससे बहुत बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। पंच अवयव अवयवा पंचावयवा, इस पंचावयवा में क्या हो सकते है? एक तो प्रतिज्ञा मीन्स यू आर गोइंग टू डिफाइन द प्रॉब्लम, you are going to tell us the hypothesis, you are telling us what is your objective, so we will say it is the pratijna and it can be of two type, sthapna aur pratisthapna, ya to wo hogi ya fir wo nahi hogi, hamari language use kehti hai ki okay ye positive hypothesis hai ya fir ye null hypothesis hai, hetu what the reason, what is the need of study, why you want to do such research, so pratijna should be सहित का मीन्स वाई डू यू हैव टेकन रिसर्च, सेम है बस शब्दों के नाम अलग अलग हैं कि आपने प्रॉब्लम डिफाइन करी कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों करी, क्यों इसकी आवश्यकता है, फिर देन यू गो फॉर द एक्सपेरिमेंटल मीन्स उदाहरणा मीन्स योर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, व्हाट यू ऑब्जर्व एंड व्हाट यू कंक्लूड वन यू एंड विच टाइप ऑफ रिजल्ट यू आर शोइंग, देन सेकेंड लास्ट इज उपनयन एंड उह पोहा, थोड़ा प्रेजेंटेशन में कुछ हल्का सा अंतर हो सकता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं दो तीन बार इसको देखा हूँ, सो दैट इज द डिस्कशन एंड द इंटरप्रिटेशन। निगमना मीन्स फाइनल कंक्लूजन, रिकॉलिंग द प्रतिज्ञा वेदर द प्रतिज्ञा इज प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, तो
मुझे देखिए ऐसा लगता है जैसे पंच अवयव है, 1 2 मीन्स प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणा उपनयना और निगमना, ये सेम ही है जो हम मॉडर्न साइंस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, वो फिर ऑब्जेक्टिव में हाइपोथेसिस भी इसके साथ जुड़ गया, उसके बाद रीजन क्यों क्यों इस रिसर्च को यूज करें, फिर व्हाई यू आर गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आप एक्सपेरिमेंटल कर रिसर्च करें, देन यू आर गोइंग टू डिस्कस द योर रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेट रिजल्ट एंड एट देन यू आर गेटिंग द कंक्लूजन ऑन द बेस्ड ऑफ द प्रीवियस फोर और ऑन द बेस ऑफ योर लास्ट थ्री, हेतु उदाहरण और उपनयना बेस्ड, ग्लोबल रिसर्च रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति से हैं और अपनी भारतीय संस्कृति हमेशा ये कहती है, एक सुंदर श्लोक इसके लिए बोला गया है, अयम निज परवेति गणना लघु चेतनाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, के उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरा विश्व एक संसार के समान है। और हम लोगों ने भारतीय जो संस्कृति है उसने कभी अपने तक के सब चीज़ों को सीमित रखने का प्रयास नहीं किया, हमारी संस्कृति ने हमें पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमेशा आगे अग्रसरित किया, हमें आगे बढ़ाया, हमारी सोच को इस तरह का बनाया कि अपना ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण का सोच। तो उस हेतु आयुर्वेदा जो प्रमाणिक ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकेशन सिस्टम है, उसके अनुयायियों की एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये पूरे संसार के लिए ये जो चिकित्सा ज्ञान दिया गया उसके पूरे विश्व तक पहुंचे, और उसके साथ साथ जब कभी रोगी, आप जानते हैं रोगी डॉक्टर के पास आता है विश्वास के साथ आता है, तो कई जगहों पे डॉक्टर को उसे विश्वास भी दिलाना पड़ता है, वो अपनी मस्तिष्क की सोच में डूबा होता है कि ये होगा ठीक नहीं होगा, मैं दवाई लूँ या ना लूँ, लेकिन जो वैद्य है जो रोगी का की दवाई मतलब रोगी को उपचार के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा है, वो ये जानता है ये रोगी है, तो वो उसको सेटिस्फाई भी करता है। कोई अगर क्वेश्चनिंग पूछता है, मैं तो जब किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और तो अगर वो किसी बीमारी से संबंधित कुछ भी उपचार के माध्यम करता है तो मैं अगर समय होता है तो मैं उससे बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ, मैं अपनी क्वेरीज उसके सामने रखता हूँ और उसका निराकरण उसके माध्यम से लेने का प्रयास करता हूँ। तो उस स्थिति में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर चाहे वो लोग अमेरिका में हैं, यूरोप में हों, ऑस्ट्रेलिया में हो, मिडिल ईस्ट में हो, कहीं पर भी, हमारा काम अपने इस आयुर्वेदिक अमृत के माध्यम से रोगों का उनके रोगों का निराकरण में उनको सहयोग देना। तो अगर वो लोग अपने कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको निराकरण करने की उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर वो हमसे पूछते हैं कि भाई हमें डाटा दिखाओ, तो हम उस फील्ड में काम करके उनको इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, हमें उस क्षेत्र के अंदर काम करके, कि ये विद्या पूर्ण विद्या है इसलिए इस विद्या के लिए मन में संशय नहीं लाना है, और मॉडर्न साइंस के पैरामीटर्स के ऊपर भी ये विद्या पूरी तरह से खरी उतरेगी, ये मेरा विश्वास है, आपका भी विश्वास होगा। तो फिर उस विश्वास के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे पता है कि इस औषधि की टॉक्सिकोलॉजिकली जो वैल्यू है वो बिल्कुल कम है, तो मैं उसको प्रमाणित करने में उनके माध्यम से मेरे को क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं और 10 लोगों तक के आयुर्वेद की ब्लेसिंग को पहुंचा सकता हूं, ये मेरा काम होना चाहिए। केवल ये कहने से नहीं कि नहीं हमने उसमें कहा इसका नहीं हो सकती है टॉक्सिकोलॉजिकल वैल्यू ऐसी, लेकिन अगर कोई हमसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछकर कुछ मांग रहा है तो हम, ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि हमें उनको वो चीज विश्व समुदाय के आगे प्रमाणिक तौर से रखनी चाहिए कि नहीं, जो हम बोल नहीं रहे हैं वो वास्तव में ऐसा ही है, और ये देखो आप
इस रूप में चाहते थे कि हम दे, तो हम इसी रूप में वो डाटा आपके सामने रख रहे हैं। तो ये 5-6 फैक्टर अलग अलग दिए हुए हैं कि ग्लोबल पूरे विश्व के अंदर आयुर्वेदिक फील्ड में ट्रेडिशनल मेडिकेशन सिस्टम के अंदर फील्ड में क्या क्या जरूरत है। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वह है लाइफ स्टाइल ऑर्डर जो डिसीजेज हैं उनके लिए, उनके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए। और हमें गर्व है कि इसका जो अगर सबसे सटीक सॉल्यूशंस हैं तो उसके सटीक सॉल्यूशन हमारा जो राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति जिसको हम आंतरिक रूप से कहते हैं आयुर्वेदा, उसके माध्यम से सक्षम है। वे आर हाईली कॉन्फिडेंट, बस उसको केवल उनकी भाषा में प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल रिसर्च के माध्यम से समझाने की आवश्यकता है। इंडियन गवर्नमेंट खुद, भारत का आयुष मंत्रालय खुद लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। तो विश्व से ग्रसित है इसके मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेदिक सॉल्यूशन को सही रूप में देने की आवश्यकता है। जितनी भी नॉन हर्ब्स हैं, मेडिकेशन है, उनकी फार्माकोलॉजिकली रिसर्च, उनके ऊपर शोध की आवश्यकता है कि नए फॉर्मुलेशन तब बनेंगे जब हमारे पास सटीक इंफॉर्मेशन होगी कि ये ड्रग, ये जो ये हर्ब है, इसकी ये फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है, प्रमाणिक, तब हम और अच्छे फॉर्मुलेशन और पोटेंट फॉर्मुलेशन सबके सामने लाने में सक्षम होंगे। पंचकर्मा एंड योगा, इन दो विषयों का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द बॉडी, पंचकर्मा, पंचकर्मों के द्वारा इस विषय को और सिस्टमेटिक रूप से इसमें डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है। योगा के जो मानसिक जो, हालांकि योगा कंसेप्ट जो है, योगा जो क्षेत्र है, इसके अंदर बहुत मानसिक रूप से मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या जो डिसीजेज हैं, चाहे वो अल्जीमर डिसीज हो या फिर पार्किंसन डिसीज हो या कि आपको जिसको कहते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं आँखों से संबंधित, तो बहुत सारी जो इस तरह की बीमारियां विदा किसी मेडिकेशन के योगा के द्वारा उनका इलाज संभव है, या योगा उसमें सहयोग करता है, लाभकारी बनाता है उपचार को आपके। और पंचकर्मा आपकी पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, उसके बाद आपका शरीर एक नवीन बालक के रूप में सामने आता है जिसको कोई बीमारी नहीं है। तो इस क्षेत्र के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आयुर्वेदिक जो लोकल फ्लोरा है उसको, उसकी आयुर्वेदिक फार्माकोडायनामिक के हिसाब से कि व्हाट इज द इम्पैक्ट और द ड्रग ऑन द बॉडी एंड व्हाट द बॉडी इम्पैक्टेड ऑन द ड्रग, जिसको हम कहते हैं कि भाई अगर हम कहेंगे मॉडर्न टेस्ट में हमारी बॉडी के अंदर सिप एंजाइम पाए जाते हैं, साइटोक्रोम 450, ये जो सिप एंजाइम है बॉडी के अंदर आने वाली सारी चीज़ों को मेटाबोलाइज करते हैं और मेटाबोलाइज करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हो, कुछ मॉलिक्यूल्स हो या अन्य चीज़ें हों, बांट देते हैं। अब ये जो लोकल फ्लोरा, इनकी सिप एंजाइम के ऊपर एक्टिविटी कि जो लोकल फ्लोरा के अंदर हम कहते हैं, मॉडर्न कहता है कि इसके अंदर 5 ऐसे मेजर फाइटोकंस्टिट्यूएंट, 5 मेजर सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं जो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं किसी स्पेसिफिक डिसीज में। तो वो जो है सिप एंजाइम, उसका क्या करता है, किस रूप में तोड़ता है उसको, किस रूप में ब्रेक करता है, एक बहुत बड़ा न्यू फील्ड है जिसको ऊपर रिसर्च करी जानी चाहिए। यूएसए के अंदर फार्माकोडायनेमिक आयुर्वेदिक जो ट्रेडिशनल मेडिकेशंस हैं, हर्बल मेडिकेशन है, उनके अंदर कुछ फील्ड में आवश्यक कर दिया, जिसको हम और अच्छे रूप में, मतलब अच्छे रूप में नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं कि इसकी स्टडी शायद बहुत कम हुई है इंडिया के अंदर, हुई ना हो, इस क्षेत्र के अंदर भी जरूरत है काम करने की। देन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फूड टेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यू फूड प्रोडक्ट फ्रॉम हर्ब यूज इन द आयुर्वेदा, ये भी एक कंसेप्ट है कि अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट बनाएं,
टेक्नोलॉजी के द्वारा, उन हर्ब्स के द्वारा जो आयुर्वेदा में अलग अलग छोटे छोटे लक्षणों के उपचार में यूज हो रही हैं, और मानव जो ह्यूमंस है प्राय इन छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो अगर हम उसको फूड प्रोडक्ट के रूप में, जिसको हम आहार विहार कहते हैं, उस आहार विहार को फूड टेक्नोलॉजी के आधार पर नए फूड प्रोडक्ट को विकसित करें, तो हम बहुत कुछ दे पाएंगे। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रिसर्च नेक्स्ट इज द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू ग्रो द प्लांट इन देयर कंट्री विच आर यूजफुल इन आयुर्वेदा। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आयुर्वेद जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मीन्स लोगों के अंदर जैसे जैसे इसकी स्वीकारता बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में जो हर्ब्स हैं वो हर्ब्स आएंगी कहाँ से। अगर उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि इस समय इस देश में उदाहरण के तौर पर 15 करोड़ लोग आयुर्वेदिक औषधियों का नियमित सेवन कर रहे हैं, तो जिन औषधियों का वो सेवन कर रहे हैं, वो जिस मेडिसिनल प्लांट से बन रही हैं, उनकी अपने देश में उपलब्धता कितनी है। अगर आयुर्वेद जिस तेजी के साथ लोगों के अंदर अपनी स्वीकार्यता बना रहा है, तो उसके अनुकूल अगर 40 करोड़ लोग आयुर्वेदा की ब्लेसिंग के इन प्लांट्स को, इन हर्ब्स को यूज करने लगेगा, तो हमें इससे 4 गुना ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स की आवश्यकता होगी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास औषधियों के जो कलेक्ट करने के जो एरियाज हैं, वो तो नेचुरल हैबिटल हैं। जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, इन एरिया, इन क्षेत्रों के अंदर कुछ ऐसी मेडिकेशन जो कॉमन हर जगह उग जाती है, ठीक है। तो हमें उस आने वाले समय में बड़ी भी डिमांड के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण पौधे हैं, उनको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस रूप से विकसित करने की आवश्यकता है कि ताकि वो सामान्य स्थलों पर भी किसानों द्वारा उगाए जा सकें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय रहने वाला है, क्योंकि अगर प्लांट्स ही हमारे पास नहीं होंगे तो हम ड्रग किससे बनाएंगे। तो इस क्षेत्र के अंदर भी बहुत आगे काम करने की आवश्यकता है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो आयुष मिनिस्ट्री की एक संस्था है, वो इस दिशा में काम कर रही है, और लेकिन और बहुत लोगों को इसमें इन्वॉल्व किए जाने की आवश्यकता है। अब एक क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित इन्होंने कहा कि विच टाइप ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल यू नीड टू कंसीडर व्हेन यू आर डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल, दिस इज द एडिशनल। कि आपको अगर क्लिनिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ दो आपके 2-3 पार्ट हैं, या तो लिटरेरी रिसर्च कर सकते हैं जैसा मैंने कहा, प्री क्लिनिकल आपका जो रसशास्त्र है, और आपका फार्माग्नोसी एरिया है, द्रव्य गुण विभाग है, ये इवन दो टॉक्सिकोलॉजी जो आपका हो गया, ये सेक्शन प्री क्लिनिकल में। उसके अलावा ज़्यादातर आप क्लिनिकल रिसर्च का की ओर ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इसके अंदर दे आर फ्यू पॉइंट that need you think. First is you need to consider the doshik prakriti. Doshik prakriti kya hai? You need also to consider the mansik prakriti. And furthermore, you need to consider the variant, doshik variant of the disease. What is the agni status? Kosht kya hai? Kamapakva or avastha of the disease. Is vishay mein aapko जब आप क्लिनिकल रिसर्च डिजाइन करते हैं, इन सब पॉइंट्स को अपने ध्यान में लाना चाहिए। डोज वेरिएशन, आपकी मरीज की स्थिति के अनुसार से क्या सकती है, दोषीता स्टेटस क्या है, उसकी अग्नि कोष्ठ आदि प्रकृति के आधार पर आप डोज को कैसे सेट कर सकते हैं, उसका औषधि काल क्या होगा, 2 समय होगा, 3 समय होगा, 1 समय होगा, खाना खाने के बाद होगा या खाली पेट होगा, ठीक है। अनुपाना और सहपाना, पथ्य अपथ्य क्या होगा, ठीक है। डोज का फॉर्मेट क्या होगा, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, आसव होगा, या फिर आरिष्ट होगा, ठीक है, या फिर रसायन होगा। देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर मेडिकेशन स्टेटिशियन हु कैन गाइड द सैंपल साइज, प्रॉपर जो मेडिकेशन स्टेटिशियन है उसको
अपने साथ इन्वॉल्व करके रखना, जो कि आपका जो स्टैंडर्ड सैंपल साइज है उसको आप ले सकें और उसके आधार पे काम कर सकें। तो नाउ इट इज फिनिश फॉर द यूनिट वन एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न मोर सम न्यू थिंग्स रिगार्डिंग यूनिट टू। Thank you very much.